मैं तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं तुमसे ना। तू पढ़े हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हाँ? चार्ज रेस्ट पे सोचा था कुछ करेगा नहीं, यहाँ पे तो दोस्तों उसने धमा चौकड़ी मचा के रखी है यार। पूरा 20% सिलेबस क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। अब मुझे ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि चार्ज का यूनिट कूलम किसने रख दिया भाई। क्या आपको पता है 1 कूलम कितना बड़ा यूनिट है भाई? आपकी जिंदगी निकल जाएगी 1 कूलम इकट्ठा करने में। अगर आप 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन हर 1 सेकंड में भी इकट्ठा करते हैं, आपको 212 साल लग जाएंगे 1 कूलम बनाने के लिए। वाह, क्या यूनिट बनाई है भाई। पता ही होगा, मास मेजर करने के लिए आपके पास वेइंग बैलेंस है, टाइम मेजर करने के लिए आपके पास एटॉमिक क्लॉक है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि चार्ज जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, किसी तरह आपने बना भी लिया तो आप उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो भैया, कूलम को 200 साल पहले क्या सपना आया था कूलम्स लॉ डिराइव करने का? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब ये जो फोर्स लॉ है, इसमें 1/4 क्या है भाई? सिंपली के क्यों नहीं लिख सकते? करके बाद पता लगता है कि भाई जो कूलम्स लॉ हमने अभी पढ़ा है, पता चलता है कि भाई वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। अगर आपको बड़े चार्जेस के बीच में इंटरैक्शन निकालना है तो भाई साहब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आगे भी मैथमेटिक्स भाई, मैथमेटिक्स तो पीछा ही नहीं छोड़ रही फिजिक्स का। मैं तो कहता हूं कि भाई आप मैथमेटिक्स का एग्जाम लेते ही क्यों हैं? जब आप फिजिक्स का एग्जाम ले ही रहे हैं, मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली चेक हो गई है। और फिर बोला जाता है कि चार्ज भाई जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, एक हाइपोथेटिकल चीज जनरेट करता है। क्या है वो? फील्ड। और बोला जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं भाई साहब, और वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में चली जाती हैं। तो भाई अगर सब कुछ हाइपोथेटिकल ही है तो क्यों ना हम ये अज्यूम करें कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज से निकलती हैं और बुक के अंदर घुस जाती हैं। भाई जैसे ही लगता है दोस्तों कि सबको पता लग जाएगा कि ये सब कुछ होता ही नहीं है, तो भाई साहब डाइपोल आ जाते हैं। अब डाइपोल तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो जब एग्जिस्ट करता ही है तो हम निकाल लीजिए, फील्ड निकाल लीजिए, पोटेंशियल निकाल लीजिए, और तो और टॉर्क भी निकाल लीजिए, ठीक है? जैसे ही लगने वाला होता है कि चैप्टर खत्म हो गया, तो भाई साहब कैपेसिटर आ जाते हैं, और वो भी तरह तरह के कैपेसिटर भाई। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, और इसका ऐसा यूनिट फराड। क्या आपको पता है 1 फराड कितना बड़ा यूनिट है भाई साहब? अगर आपके पास 1 फराड का स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसका साइज जुपिटर से भी बड़ा होगा। वाह, क्या यूनिट बनाई है भाई साहब। पूरे चैप्टर में क्या भयानक भयानक यूनिट्स हैं भाई। फाइनली चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स में जाते हैं और वहां देखते हैं कि भाई साहब ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा बदल गया है। यहां पे आधा तो मैकेनिक्स है। अब आप निकालते रहिए चार्जेस की वेलोसिटी, चार्जेस का फोर्स, चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पूरा का पूरा सागर बन गया है दोस्तों। अब जब आपने मैकेनिक्स मिला के पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है चैप्टर का, तो क्यों नहीं ऑप्टिक्स भी मिला दीजिए। बोल दीजिए भाई इंटरफेरेंस होती है चार्जेस की, 2 चार्जेस जो है निकलेंगे कॉन्वेक्स लेंस से और 4 बन जाएंगे। सब हाइपोथेटिकली तो है, मान लीजिए, मानने में क्या है भाई। ये चार्जेस एट रेस्ट ने रेस्ट इन पीस कर दिया है भाई हमारा। कोई मुझे बताएगा कि चैप्टर में क्यों पढ़ूं? क्यों पढ़ूं? क्यों क्यों, क्यों?